आज आप लोग देख रहे हैं सफ़र में सफ़र। तो ये जो सफ़र में सफ़र का एक्सपीरियंस बेयर किया है, ये हमारे तीन सेलेब्रिटीज़ हमारे पास है और ये तीनों हमने रिसर्च की बड़ी कि कौन सा सेलेब्रिटी है, कितना घूमता फिरता। तो हमें नज़र आया कि अरे ये तो अभी इधर थे और ये अभी उधर चले गए। सो ये मतलब जब इनका दिल होता है, जब मूड होता है, ये लोग बैग पैक करते हैं और एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। सो हमने कहा कि जो एडवेंचरस है, जिसको ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मुश्किलात के बगैर ट्रैवल किया हो। सो क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके कि इन्होंने सफ़र में सफ़र कैसे किया, या अच्छी प्लानिंग की वजह से नहीं किया, या हम इनसे सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और अपनाते हैं। आइए वेलकम करते हैं फजीला कैसर हमारे साथ। फजीला काजी कह लेती हूँ मैम, तो कैसर फाइनली फाइनली शुक्र। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आप तो कभी कराची, कभी अमेरिका, कभी कहीं, मतलब एकदम गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होता, एकदम गायब नहीं होती है, प्लान करके गायब होती हूँ। हमें मतलब लाइक लोगों को नहीं पता होता कि अभी फजीला यहाँ थी या बाहर है। हाँ, मतलब मुझे शौक है और सिर्फ शौक ही नहीं है, मैंने ये शुरू किया था जब मेरे बच्चे छोटे थे। हाँ। तो मुझे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ खवातीन से जो कि ज़रा सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना हमेशा मतलब वो आप सीखते हैं ना, हमारे पास तो ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप सीखते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को दुनिया घुमाओ। जब आप अपने बच्चों को दुनिया दिखाते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं जो सिर्फ आप स्कूल में बिठा के उनको नहीं सिखा सकते। मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दूँ, फिर मैं आप लोगों के जो सफ़र हैं उनके अंदर जो आप लोगों ने इंग्लिश वाले सफ़र किए उसके बारे में जानना है, ताकि लोग सीख सकें। मेरे पास मौजूद हैं जी शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। ये भी बहुत घूमती फिरती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि समझदारी वाले बजट के साथ। बहुत, आई वॉज अबाउट टू ऐड कि मैं जब भी, क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और सेविंग का भी बहुत शौक है। हाँ। तो एक ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जिसमें मैं पैसे स्पेंड करती हूँ, विलिंगली करती हूँ, हैप्पीली करती हूँ, लेकिन बजट वेकेशंस करती हूँ। तो बेस्ट पॉसिबल रेट्स के साथ, एडवांस बुकिंग के साथ, तो इस तरह से मैं अपने, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं साल में एक दफ़ा, दो दफ़ा नहीं तो एक दफ़ा तो निकलूँ ही निकलूँ। मेरी जो अगली गेस्ट है बिजनेस वुमन है, यंग बिजनेस वुमन, और फिर आगे जाके तो पता नहीं हमें मिलें भी या ना मिलें। तो मैंने कहा भाई अभी जल्दी से ग्रैब कर लो, क्योंकि माशाल्लाह ट्रैवलिंग की वजह से ये खुद कहती हैं कि जो कुछ ये आज हैं अम्मा अब्बा के अल्लाह मियाँ के बाद, ट्रैवलिंग का मतलब वो कहते हैं ना कि ताज पहनाओ तो वो ट्रैवलिंग को पहनाना चाहिए। हमारे साथ हैं यहाँ कोमल अजीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, और कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा से ट्रैवलिंग की बस प्लानिंग चल रही है प्लानिंग वाले। ये देखो जरा ईद का भी रश है, ऑर्डर्स ऑर्डर्स, और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की बात है। प्लानिंग वो पूरा रश जो है, जब वो पूरा हो जाएगा तो उस मेहनत को जो आपने वसूल भी तो करना है, निकल के कहीं ट्रैवल। मतलब आखिरी वक्तों में कितनी ज्यादा वो होती होगी तुम्हें? बहुत ज्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी नाइस टीम नाउ, तो वो लोग भी अब उनके ऊपर डाल दिए भैया आप। तो आपने उर्दू वाला सफर करना छोड़ा नहीं है? मैंने उर्दू वाला सफर अब करना छोड़ दिया, लेकिन आज जो मेरी सारी स्टोरीज होंगी वो पुराने टाइम की है। आई थिंक इंग्लिश वाला सफर नहीं, अच्छा उर्दू वाला यानी ट्रैवल। उर्दू वाला सफर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, इंशाल्लाह कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। सबके कोई ना कोई किस्से होंगे, कोई ना कोई कहानियाँ होंगी, और जरूर मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की कहानी सुनने के बाद आप खबरदार हो जाते हैं, आप अटेंटिव हो जाते हैं कि ये चीज मुझसे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से जब भी हम जिक्र करते हैं कि हमने ट्रैवल किया, और आप लोग खबरदार भी करते हैं कि निदा ये नहीं करना, ये मेरे साथ हुआ था, प्लीज इससे बच के रहना। तो ऐसे ही होना चाहिए ना भाई, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाए ना, बजाय इसके कि खुद किसी तकलीफ में पड़े। आजकल जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ ना आज की, तो वहाँ सफर पे जाने के लिए भी बहुत सारी गाइडेंस इसी तरह मिलती कि मुझसे ये गलती हो गई थी, आप इस तरह की चप्पल नहीं लीजिएगा, इस तरह का जूता नहीं लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, हेल्पफुल टिप्स होती हैं वो, जो मैटर करती है। मैं हैरान हो रही थी। और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि आपको किसी ने कहा कि बच्चों को ट्रैवल कराया करो, बच्चों से पहले खुद मेरे लिए मैंने ये फील किया अपनी जिंदगी में कि क्योंकि फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई वॉज बिजी विद सेवरल थिंग्स, मुझे मौका नहीं मिला इतना ट्रैवलिंग का।
जब से मैंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया देयर सो मच दैट आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ अबाउट दिस वर्ल्ड यू नो आपको इतना ज़्यादा पॉलिश करती है एजुकेट करती है ट्रैवलिंग और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं आई फील दिस नथिंग बेटर हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में 2 से 3 ट्रिप्स जो हैं अकेले प्लान करने चाहिए उसमें आप जितना सीखते हैं ना वो किसी ऐसे शख्स के साथ ट्रैवल करने में जिसने सब कुछ टेक केयर की हुई है सारा प्लान आउट किया हुआ है उसमें नहीं आप सीखते जब आपको हर स्टेप पे आपको प्लान करना होता है और सोचना होता है कि अब नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट व्हाट एम आई सपोज टू डू नेक्स्ट उससे आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो आई थिंक वो इतना वैल्यूएबल होता है एंड लास्ट सी वो लाइफ टाइम. हाँ लेकिन आप जैसे कह रहे हो ना बच्चे मसला है कि जब आपने बचपन में शादी कर ली हो तो फिर आप बच्चों के साथ घूमना तो शुरू कर देना. आपकी सारी शादी से पहले की तस्वीरें इतनी वायरल हो रही है कोई आपकी लोकल लाइक भी मिल गई इंडिया में. अच्छा देखा आपने? नहीं मैंने आपने नहीं देखा? मैं कल ही देख रही थी और आपकी तस्वीर लगाई हुई थी शादी से पहले की खूबसूरत आप लग रही हैं या अभी भी हैं लेकिन वो बाल आपने वो किए हुए वो अलग और इंडिया में कोई आपकी लोकल लाइक मिल गई है अभी अभी जी जी मैं आप अभी मैं ब्रेक के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी गूगल में सर्च करते हैं इतनी आजकल इनकी पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं यार लोगों की मोहब्बत है पता है मैं यही कहूंगी मुझे बाकी पता नहीं चलता मैं देख रही होती मुझे बहुत सारे लोग भेज रहे होते हैं तो ये लोगों की मोहब्बत है.